यहाँ पे आज हम देखेंगे कि राजभाषा से जो भी अनुच्छेद जुड़े हुए हैं उसको देखेंगे। इसलिए देखेंगे क्योंकि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था, तो इस बार जो है समारोह नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से समारोह नहीं हो पाया व्यापक पैमाने पे। फिर भी 14 सितंबर को अपने यहाँ जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इससे जुड़े हुए हम अनुच्छेद को देखेंगे। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद देखेंगे, सबसे पहले अनुच्छेद देखेंगे 343, आर्टिकल 343 को देखेंगे। 343 की जो प्रावधान है उसको देखेंगे, क्या कहा गया है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा जो होगी वो क्या होगी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी उसकी, उसकी लिपि जो होगी वो होगी देवनागरी। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इस बात को ऐसे कह दें कि संघ की राजभाषा लिपि, संघ की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। हालांकि अनुच्छेद में तो लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संसद को विधि द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यानी कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, अलावा किसके, अलावा अंग्रेजी की, ठीक है, अंग्रेजी के अलावा हिंदी होगी संघ की राजभाषा और लिपि उसकी क्या होगी, देवनागरी होगी। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी का जिक्र है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी जो है संघ की राजभाषा है, ये बात समझना होगा। तो फिर हम अनुच्छेद अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जिसका जिक्र हो रहा है अनुच्छेद 343 में, इसको हम समझने के लिए अनुच्छेद 344 को देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम दो अनुच्छेद को यहाँ पर देख रहे हैं, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में लिखा है कि संघ के शासकीय परियोजनों के लिए, शासकीय परियोजन का मतलब जो भी शासकीय कार्य होंगे, जो भी उनके ऑफिशियल कार्य होंगे, संघ के शासकीय परियोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग, क्या लिखा हुआ है, अधिकाधिक प्रयोग, यानी कि हिंदी भाषा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना प्रयोग किया जाए। तो हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग तथा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के निर्बंधनों के संबंध में, ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के निर्बंधनों के संबंध में, यानी कि अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पर लिखा है कि निर्बंधनों के संदर्भ में अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु कौन, राष्ट्रपति। एक बात और ध्यान पड़ना है कि राष्ट्रपति जो होगा वो क्या करेगा, प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग का गठन करेगा, प्रत्येक 10 वर्ष में एक आयोग का गठन करेगा कि किस तरीके से हम हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट करें तथा अंग्रेजी भाषा पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है बैन लगाएं। तो अनुच्छेद 343 में राजभाषा का जिक्र है जिसमें बताया गया है कि हिंदी जो है राजभाषा होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी, अंग्रेजी के अलावा हिंदी भाषा होगी। लेकिन अनुच्छेद 344 कहता है कि कैसे हम अंग्रेजी भाषा के पर जो है निर्बंध लगा सकते हैं, उसको अंग्रेजी भाषा के यूज को कम करने के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। अब इससे जुड़ा हुआ दो अनुच्छेद हम और देखेंगे जिसमें से एक है आर्टिकल 120 यानी कि अनुच्छेद 120, और अनुच्छेद 120 को थोड़ा सा हम उल्टा करें तो एक है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि जो संसद होगी हमारे यहाँ, संसद अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, अपने आधिकारिक कार्यों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है राष्ट्रपति आयोग भी गठित करेगा अंग्रेजी के यूज को कम करने के लिए। इसी प्रकार से अनुच्छेद 210 क्या कहता है, अनुच्छेद 210 राज्यमंडलों, राज्य विधान मंडलों का के संदर्भ में हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात करता है। तो अनुच्छेद 210 क्या कहता है, अनुच्छेद 210 कहता है कि राज्य विधान मंडल जो होंगे, राज्य विधान मंडल अपने कार्यों के संचालन के लिए, कार्यों का मतलब आधिकारिक कार्य, ऑफिशियल वर्क, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी या अंग्रेजी भाषा के प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 210 में क्या है कि विधानमंडल किस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग विकल्प के रूप में कर सकते हैं, ये बात अनुच्छेद 210 में कही गई है। इसी प्रकार एक और अनुच्छेद है जिसका नाम है आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा, किसका, संघ का, ध्यान दीजिएगा, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए। क्या लिखा है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए, यानी कि हिंदी भाषा का किस तरीके से उपयोग किया जाए,
कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इस चीज़ को बढ़ाए। तो यानी कि 351 में जो है हिंदी भाषा के संवैधानिक सुधार का एक प्रकार से आधार प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए सवाल आ जाता है कि हिंदी भाषा के संवैधानिक आधार कहाँ पर वर्णित हैं, संवैधानिक आधार, ठीक है, तो संवैधानिक आधार हिंदी भाषा का ये वर्णित है अनुच्छेद 351 में। अब हम राजभाषा से जुड़े हुए और भी अनुच्छेद को यहीं पर देख लेंगे। चलिए एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि राजभाषा से संबंधित हमने किन किन अनुच्छेदों को पढ़ा जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमने देखा था अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में कहा गया था कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि उसकी क्या होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी गई जो हिंदी होगी वो संघ की राजभाषा होगी। उसके बाद में अनुच्छेद 344 में हमने क्या देखा था, 344 में देखा था कि राष्ट्रपति जो होगा वो प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या करेगा, एक आयोग का गठन करेगा, और वो आयोग इसलिए गठित किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी को हम प्रमोट कर सकें, हिंदी को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, और जो हमारे यहाँ इंग्लिश है इंग्लिश की भाषा को किस तरीके से उस पर निर्बंध लगा सकें, उसके प्रयोग को कम कर सकें। तो अनुच्छेद 344 में ये देखा था। अनुच्छेद 120 में देखा था कि किस प्रकार से संसद जो है, हमारे यहाँ जो संसद है वो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा को अपने आधिकारिक कार्यों के प्रयोग के तौर पर विकल्प के रूप में यूज कर सकती है, यानी कि वो हिंदी अगर यूज करना चाहे तो हिंदी और अंग्रेजी यूज करना चाहे तो अंग्रेजी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 210 को देखा था। अनुच्छेद 210 में हमने राज्य विधानमंडलों के बारे में यही प्रावधान देखा था। और उसके बाद में अनुच्छेद 351 को लास्ट में देखा, जहाँ पर हिंदी भाषा के संवैधानिक आधार की बात कही गई, बात बताई गई है, और उसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए। अब चूंकि भारत एक, जानते होंगे कि एक बहुलतावादी समाज है जहाँ पर बहुत तरह की भाषाएँ हैं, बोलियाँ हैं, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए तमाम प्रकार के और भी अनुच्छेदों को संविधान में वर्णित किया है, मेंशन किया है। तो हम भाषाओं से संबंधित अन्य अनुच्छेदों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने राजभाषा से संबंधित अनुच्छेदों को देखा, अब हम भाषाओं से संबंधित अनुच्छेदों को देखेंगे। जैसे आर्टिकल 329 है आपका, अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय को, क्या मेंशन है, प्रत्येक भारतीय को अपनी विशिष्ट भाषा लिपि और क्या, और संस्कृति को, ठीक है, तीन बातों का जिक्र है, भाषा लिपि तो एक दूसरे से संबंधित हो गए, और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 29 हो गया। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, जो अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकेंगे, वो अपनी रुचि की क्या कर सकेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकेंगे, और उसका क्या कर सकते हैं, उसके प्रशासक भी बन सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 में किसकी बात कही गई है, अल्पसंख्यक वर्गों की बात कही गई है, लेकिन किस बेस पे, धर्म के बेस पे और भाषा के बेस पे वो अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं। तो बात जब यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों की हो गई, तो इससे जुड़ा एक और अनुच्छेद है जिसका नाम है 350B। 350B में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और कौन से अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। तो अनुच्छेद 350B में क्या कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। तो जब 350B का हमने जिक्र कर दिया, तो 350A का भी जिक्र कर लेते हैं, क्या कि 350A क्या है। 350A में लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि मातृभाषा का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है, मातृभाषा का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 350A में है। अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद होता रहता है, क्योंकि प्रारंभ से दशकों से हमारे यहाँ द्विभाषा फार्मूला यूज होता आया था, जिसमें से एक भाषा के तौर पर इंग्लिश थी और दूसरी भाषा के तौर पर जो लोकल लैंग्वेज थी, कोई भी एक लोकल भाषा जो है
उसका अध्ययन किया जाता था। नई शिक्षा नीति आई है उसमें त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है। जानने की आवश्यकता बस इसी चीज़ को है कि अनुच्छेद 350 बी में क्या कहा गया है, 350 ए में क्या कहा गया है और जो आगे के मैंने अनुच्छेद बताए वो। तो यहाँ से स्टेट पीएससी में एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप बार बार में देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आके हम और भी जो साल भर में अनुच्छेद चर्चा में रहे हैं उनको डालेंगे वीडियो।